नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए एक और वीडियो आपके शहर के मौसम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में मूसलाधार बारिश से राहत की उम्मीद कम। मौसम विभाग ने इन 20 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार आज 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मानसून ने अपना कहर जमा रखा है। 26 जून को मानसून के प्रवेश के बाद लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोमवार को भी प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। मानसून की ट्रफ लाइन अब जैसलमेर चित्तौड़गढ़ से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले 2-3 दिन तक जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। सबसे अधिक बारिश चूरू में दर्ज। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, करौली, जयपुर, डूंगरपुर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 137 mm बरसात करौली के सुरोट में तथा 141 mm बरसात चूरू के तारानगर में दर्ज की गई। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 84 mm तथा पिलानी में 41.6 mm बारिश दर्ज की गई। 20 जिलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, उदयपुर में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी दिनों का मौसम अपडेट। वहीं मौसम केंद्र के अनुसार 10 से 11 जुलाई को दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।